हेलो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरा प्लांटर एक टूट रहा है बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल खराब हो रहा है। और ये देखिए, इसकी इसमें प्लांट तो मैं लगा नहीं सकती, तो इसको इसको जो है मैं अपने एक DIY बनाऊंगी, ताकि मैं अपने बगीचे में रखूँ और वो सुंदर लगे। फ्रेंड्स, तो इसको तो मैं कैसे यूज करूंगी आपको बताऊंगी। तो ये दो गमलों को मिला करके, ये गमला भी देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये भी, इसकी भी कंडीशन कैसी हो रही है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये भी इस तरह का हो रहा है, बेकार बिल्कुल। तो इन दो गमलों से आज मैं एक DIY बनाऊंगी फ्रेंड्स, और आपको दिखाऊंगी कि मुझे ऐसे कैसे बनाना है, क्योंकि टूटे हुए गमले में इसमें पेड़ तो लगना नहीं है। ये देखिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल बेकार हो रहा है, टूट रहा है बिल्कुल एकदम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें हम कर लेंगे कॉल। तो फ्रेंड्स, पेचकस गर्म करके, ये देखिए यहाँ करके मैंने इसमें दो होल कर लिए, एक यहाँ और एक यहाँ, दो होल बना लिए हैं। और दो होल इसमें जो है मैंने एक इधर और एक इधर, यहाँ पर इस तरह से कर लिए फ्रेंड्स। एक यहाँ पर हो गया और एक इधर हो गया, दो। और दो होल मैंने ये सामने कर लिए। तो फ्रेंड, थोड़ा सा तो मैंने पिंक कलर, ये पिंक कलर है, पिंक कलर लिया, और थोड़ा सा व्हाइट कलर, दोनों कलर को मैंने मिक्स करके एक ही कलर बना लिया है। और इस कलर को मैं इसके ऊपर अभी करूंगी, इसके ऊपर आपको दिखाऊंगी करके। तो एक बार इसके ऊपर मैंने कर दिया, ये देखिए ये सूख जाएगा, तो एक बार फिर मैं इसके ऊपर दोबारा से कर लूंगा फ्रेंड। ये देखिए, इस पर मैंने एक बार कलर कर दिया है, और एक बार और करूंगी सूखने के बाद। अब ये गीला है तो सूख जाएगा, तो उसके बाद मैं फिर से दोबारा से कर दूंगी। और ये दूसरे वाला पॉट है, इसके ऊपर मैं फ्रेंड्स ये वाला जो मेरा पिंक कलर है, तो इसको ही करूंगी, पूरा डार्क कलर मैं कर रही हूँ अभी, आपको दिखा रही हूँ। तो इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने एक बार कलर कर दिया है, ये सूख जाएगा तो फिर एक बार दोबारा से करूंगी। ये देखिए, इसके ऊपर भी, ये देखिए अभी हल्का है, ये एक बार और होगा तो इसकी फिनिशिंग अच्छी से आ जाएगी। और फ्रेंड्स, ये कॉफी मग है मेरे पास, ये देखिए मैंने 8 कॉफी मग लिए, इन्हें डबल कर लिए हैं। देखिए डबल हो गए, थोड़ा सा ये हैवी हो जाएगा इस तरह से। तो इनको, इनके ऊपर भी मैं पिंक कलर करूंगी अभी, तो इनके ऊपर। ये देखिए सूख गया है एक बार करने से, लेकिन एक बार मैं फिर से करूंगी, क्योंकि अभी ये देखिए दिखाई दे रहे हैं इसमें। और इसके ऊपर भी एक बार फिर से करूंगी। और जो ये कॉफी मग थे, इनके ऊपर मैंने एक बार करके रख दिया था, और अब ये सूख गए हैं, तो एक बार मैं फिर से करती हूँ, क्योंकि उससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और ये देखने में सुंदर लगेंगे। अभी इतना नहीं हो रहा है, तो एक बार और करती हूँ मैं इनके ऊपर। तो दूसरी बार भी कलर मैंने इनके ऊपर कर दिया है, अब ये सूख जाएंगे, उसके बाद मैं फिर से करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, रस्सी के हमें इस तरह से दो टुकड़े तो इतने बड़े और दो इनसे छोटे, 4 टुकड़े हमें काटने हैं। और काटने के बाद ये जो हमने कप लिए थे, इनमें करना है हमें होल इस तरह से।
इसको हम इस तरह से होल कर लेंगे इनके अंदर, और इसमें हम डाल लेंगे इस रस्सी को। इधर की साइड रस्सी निकाल लेंगे ऐसे, और इसमें लगा देंगे एक नोट। ये देखिए, दो तीन लगा देंगे और ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स दूसरे वाले में डाल लेंगे और दूसरे में भी लगा लेंगे। तो इनमें फ्रेंड्स हमने चारों ये जो हमारे कप थे, कप में हमने इनमें रस्सी बांध ली है सब में। ये देखिए, दो एक साइज के हो गए हमारे, ये दिखा रही हूं मैं आपको। देखिए दो एक साइज के हो गए और दो एक साइज के हो गए इस तरह से। और अब इसके ऊपर फ्रेंड्स हम बनाएंगे फेस पेंसिल से। पेंसिल से पहले यहां पर फेस बना लेंगे, उसके बाद उसमें कलर कर लेंगे, और इसके ऊपर भी हम एक डिजाइन बना लेंगे। तो इसके ऊपर ये देखिए पेंसिल, मैंने इस तरह से इसका फेस बना लिया है, और अब मैं इसको कलर से बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स फेस बन के तैयार हो गया। इसके ऊपर मैंने कलर भी कर दिया और ये डिजाइन भी बना लिया। तो इसी तरह से आप ऊपर के गमले पे बना सकते हैं ऐसे डिजाइन। और उसके बाद में जो है ये जो दूसरे वाला था मेरा पोर्ट, ये वाला, इस पोर्ट के ऊपर मैंने इस तरह का डिजाइन बनाया है ये। और जो ये मैंने बनाए थे फ्रेंड्स ये कॉफी मग से, तो इसको मैंने इसके अंदर डाल के भी नोट लगा दी। ये देखिए लगी हुई है अंदर, और इसके अंदर भी डाल के। तो इसी तरह से आपको लगाना है ये वाला। देखो अभी मैंने यहां पर ये वाला है, इसको मैं अभी अंदर डाल के लगा के दिखाऊंगी आपको। इसको इसके अंदर डाल लेंगे। तो इस तरह से आपको ये चारों में लगानी है। देखिए ये आ गए इधर निकल के, और इसमें हम लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए लग गया। तो ये हमारे मैंने जो है दो इस तरह से हाथ बना दिए इसके फ्रेंड्स, ये दो पैर बना दिए। और इसको हम ऐसे अब रखेंगे यहां पर, और इसके ऊपर जो ये वाला गमला है तो उसको हम ऐसे रख लेंगे। ये देखिए हमारा कितना सुंदर पोर्ट बन गया है। और अब इसमें डालेंगे फ्रेंड्स मिट्टी। ये मैं मिट्टी लेके आई हूँ, मिट्टी मैंने बना रखी थी पहले से ही, तो इसमें हम डाल लेंगे थोड़ी सी मिट्टी। ये देखिए मिट्टी थोड़ी कम रह गई है, दो थोड़ी सी मिट्टी में और लेके आऊंगी। और ये देख
देखिए फ्रेंड्स, ये है वाटरिंग जू। इसकी मैं ये डंडिया काट के बाहर से लिए आई हूँ, और इसके जो नीचे की डंडिया है, ये देखिए मैंने इसके सारे जय पत्ते यहाँ से हटा दिए हैं, और आपको इस तरह से ये हटाने हैं और इसके अंदर इस तरह से लगाने हैं। ये जो मिट्टी है, मिट्टी में आप इस तरह से लगा देंगे, ये देखिए। तो मैं फ्रेंड्स दोनों तरफ से ऐसे लगाऊंगी, आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो इसकी मैंने ये लंबी लंबी सी डंडियां इस तरह से काटती थी, और इनको सबको मैं इसमें इस तरह से लगा दूंगी। कुछ छोटी वाली भी काट ली थी फ्रेंड्स, तो इनको यहाँ पर ऐसे, और एक इसको ऐसे, दो ये मैं यहाँ सामने लगाऊंगी। तो इस तरह से इसका ये फेस भी दिखाई दे रहा है हमें अच्छे से। और इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे ऊपर से, ताकि डंडियां इसमें अच्छे से दब जाए। थोड़ी सी मिट्टी फ्रेंड्स इसके अंदर अभी और डालनी है। तो ये बनके फ्रेंड्स तैयार हो गया, ये देखिए, ये इसके बाल बन गए इधर से, और ये डोल बन गई, कितनी सुंदर डोल लग रही है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी एक प्लांटर अपना बना सकते हैं। प्लांटर बन गया और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इसको मैं बाहर गार्डन में लगाऊंगी। तो आप भी इस तरह से अपने एक दो पॉट से अपना एक अच्छा सा जो है DIY बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये DIY पसंद आया हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और मेरे ये वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताएं कि मैंने कैसा बनाया है ये, और इस आइडिया को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, बाय। मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए कैसा लग रहा है।